दर्शकों हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। जैसे कि डॉक्टर प्रीति जिंदल जो कि बहुत ज़्यादा जिनके पास नॉलेज के खजाने हैं और हमारे इस प्रोग्राम्स के थ्रू ये सारे देखने वाले दर्शकों को बांटते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपने बताया कि आजकल जैसे डोनर की बात आती है, एग डोनर है और मतलब नई नई टेक्निक्स आई हैं और आप इनके लिए बहुत एक्सपर्ट हैं, क्या है इस चीज़? देखिए, एग डोनर का मतलब है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें जो जिनका खुद का एग हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हमें बाहर से एग लेना पड़ता है। तो जो एग देता है बाहर से उसे हम डोनर बोलते हैं और जिसमें हम वो एग को डालते हैं भ्रूण बना के, एम्ब्रियो बना के, उसको हम बोलते हैं रिसिपिएंट बोलते हैं। तो आजकल ये देखा गया है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए या वैसे इनफर्टिलिटी की जाँच कराने के लिए आता है, तो कुछ कारण ऐसे होते हैं कि उनमें जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं पहले से ही काफ़ी कम होते हैं। ऐसे केसेस काफ़ी कम होते हैं जिनका कि यंग एज में ही जो एग रिजर्व होता है काफ़ी कम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं AFC, मतलब एंट्रो फॉलिकल काउंट, जो कि अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं। इसको फिर हम एक हार्मोन टेस्ट से कोरिलेट करते हैं, मतलब AMH जिसको बोलते हैं, एंटी मिलेरियन हार्मोन। अगर किसी का AMH काफ़ी लो है और उसके अंदर हमें AFC काउंट काफ़ी कम दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है या कंसेप्शन है वो काफ़ी कम है। AMH एक ऐसा जरिया है, दर है, जिसकी वैल्यू से हम ये कर सकते हैं डायग्नोस कि ये पेशेंट जो है इसके रिजल्ट हमें कैसे मिलने वाले हैं। दिस इज़ ए मार्कर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द एग्स, नॉट द क्वालिटी। अगर कोई यंग पेशेंट है, लेस देन 30 एज है उसकी, उसका AMH काफ़ी लो है पर फिर भी एक रेंज में है जिसे हम बोलते हैं 0.5 से लेकर 1 तक भी है, और उसकी खुद की एग्स से फिर भी हम उसका आइडेंट कर सकते हैं। पर अगर पेशेंट की एज 30 है, उसका जो AMH है 0.5 से भी कम है, तो ऐसे पेशेंट को हम एग डोनर की सलाह देते हैं। तो दूसरे पेशेंट्स वो होते हैं जिनकी उम्र 40 ईयर से क्रॉस कर चुकी है और वो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो IVF के जरिए हम प्रेगनेंसी हो सकती है पर उनका खुद का एग हम नहीं ले पाएंगे, बिकॉज 40 एज तक आते आते जो एग का नंबर है और जो क्वालिटी है दोनों ही डाउन हो चुके होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी जो है एग डोनर का हम काम ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी की वो पेशेंट्स हैं जिनमें हम ऑलरेडी IVF 2 या 3 बारी कर चुके हैं, जिसमें नंबर ऑफ एग्स जो रिट्रीव होता है या जो एम्ब्रियो बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसको फेलियर होता है। तो ऐसे पेशेंट में ये देखा गया है कि अगर हम डोनर एग लेते हैं, बाहर से एग लेते हैं, तो उनका जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। अभी एग डोनर है कौन? ये वो पेशेंट्स होते हैं, जो वो लेडीज़ होती हैं जिनकी उम्र जो है 30 से लेस होती है और जो ऑलरेडी फर्टाइल है, जिनका ऑलरेडी जो है बच्चा एक हो चुका होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लेते हैं जिनको हम एग डोनर बोलते हैं। और इनको भी जो है हॉस्पिटल की तरफ से आप लगा लीजिए या पेशेंट की तरफ से लगा लीजिए, कुछ कमीशन मनी मिलती है जिसकी वजह से वो अपना एग डोनेट करते हैं, ताकि उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट होता है और जिस पेशेंट को ज़रूरत है उसको भी हम फ़ायदा दे सकते हैं। पर कुछ ICMR की गाइडलाइंस हैं, मतलब जो हमारी ARTI सोसाइटी है उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि जो एग डोनर है दे शुड बी एनोनिमस, दे शुड नॉट बी नोन टू ईच अदर। मगर कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हाँ जी मेरी सिस्टर है, मेरी देवरानी है या मेरी जिठानी है जो कि एग देना चाहती है, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो एग डोनर वही होंगे जो आपस में किसी का कोई रिलेशन नहीं होगा, एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, उन्हीं का ही हम एग ले सकते हैं। इसके अलावा दोनों का कंसेंट लिया जाता है, एग डोनर का भी कंसेंट होता है कंसेंट फॉर्म पे और रिसिपिएंट का भी कंसेंट फॉर्म पे प्रॉपर साइन होता है। ये साइन इसीलिए लिए जाते हैं कि कल को अगर बच्चा होता है उस एग डोनर के एग से, तो जो डोनर वाली पेशेंट होती है उसका कोई भी उस बच्चे पे हक नहीं होता है, वो लीगली जो है रिसिपिएंट का ही बच्चा होगा, क्योंकि इसमें जो डोनर एग लिया गया है जिस फॉर्म होता है वो पेशेंट के हस्बैंड का ही होता है। इसमें एक और बात मैं कहना ये चाहूँगी कि जो एग डोनर से बच्चा हुआ है उसके लिए उसको डिस्क्लोज करना बिफोर 18 ईयर्स कि हाँ भाई इसकी जो मतलब बर्थ हुआ है बिकॉज ऑफ द एग डोनर, तो ये बैंड है। इसके लिए हमें जब पेशेंट 18 ईयर्स का हो जाएगा बच्चा, उसके बाद उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हाँ उसकी जो पैदाइश हुई है वो एग डोनर से हुई है। तो एग डोनर जब हम डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले उसका एज देखना है, उसका सारा अनीमिया प्रोफाइल, कोई HB वगैरह कम तो नहीं है, उसके जो वायरल मार्कर्स हैं HIV, HBS, SCV सारे नॉर्मल हैं, उसका थायराइड हार्मोन, उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे नॉर्मल होने चाहिए। बिकॉज अगर ये नॉर्मल नहीं है तो ऐसे पेशेंट में जगह अगर हम एग रिट्रीव करते हैं तो क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और हमारे जो रिजल्ट्स हैं IVF के वो अफेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे आप नई नई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और जिंदल में जहाँ आपका IVF सेंटर है, आप हमें ये बताएं कि इसके साथ साथ जैसे आप हम अभी आपके यहाँ सेंटर में आए
जहाँ पर आपका मेन सेंटर है ऊपर, यहाँ पर आपने हमारे सारे जो है जूते वगैरह उतरा लिए, जराबे वगैरह उतरा ली, तो क्या कारण है कि आप मतलब ऐसे इसको इतना ज़्यादा आइसोलेटेड करके रखते हैं? देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है एक आई वी एफ प्रैक्टिशनर के लिए कि जहाँ पे उसे अपनी आई वी एफ लैब है उसका जो एक इन्वायरमेंट है, उसका जो कंडीशंस है, वो सारी मेंटेन रखनी होती है। बिकॉज हमने जो प्रोसेस अंदर हो रही है शरीर के, एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है, वो बाहर करना है। तो जैसे एक बीज हमने बाहर तैयार करना है, तो इसके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है देयर शुड बी प्रॉपर स्टेराइल। अगर हम ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे हमारे जो एम्ब्रियो की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बिकॉज जैसे एम्ब्रियो को डेवलप होना है तो उसके लिए जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी का लेवल है, जो पीएच लेवल है, दे शुड ऑल बी इन अ कॉन्स्टेंट मोड। वो अगर फ्लक्चुएट होते रहेंगे अननेसेसरी एंट्री से, तो वो सबसे रिजल्ट जो है आईवीएफ का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। क्योंकि आईवीएफ का जो रिजल्ट पहले ही 100% नहीं है, और अगर हम ये सब चीज़ें मेंटेन करते हैं, अपनी लैब का एनवायरनमेंट, अपने इक्विपमेंट का क्लीनिंग, ये सब ठीक से रखते हैं, तो हम इसका रिजल्ट जो है काफ़ी हद तक जो 50-60% तक अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर प्रीति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यूजफुल टिप्स दिए, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इससे भरपूर फायदा उठाएं। आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।